नमस्कार दोस्तों, ये पॉडकास्ट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो रूरल इंडिया से है एंड अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको गाइडेंस ना मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं पे रुक से गए, ये उनके लिए है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये पॉडकास्ट आप उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए कि जो इस देश के हर एक छोटे से गांव में रहकर भी वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आगे आने के लिए उसके पास ना गाइडेंस है, ना रिसोर्सेस है, ना वो आगे आ पा रहा है। तो जो जो स्टूडेंट्स जो बीबीए या फिर बीए, एमबीए, एमकॉम, सीए, सीएस या फिर इंजीनियरिंग की कोई डिग्री अभी कर रहे हैं या फिर हो गई है उनकी अभी भी रिसेंटली, अगर उनका मानो ये कोई ग्रेजुएशन वगैरह हो गया है, कंप्लीटेड हुआ है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट के जॉब के अलावा भी और भी जॉब मार्केट में है, उनको हंट कैसे करें, उनके लिए प्रिपरेशन क्या लगेगा, रिसोर्सेस क्या लगेंगे, ये पूरी जानकारी ना होने के कारण वो सिर्फ एक गवर्नमेंट की एग्जाम उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन जो स्टूडेंट्स है गवर्नमेंट के एग्जाम्स का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, अगर सच में इंटरेस्ट है। देखो, इस देश को ना, इस देश को ही नहीं, दुनिया को इंजीनियर्स की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, बैंकर्स की जरूरत है, किसान की जरूरत है, ये सब जितने भी क्लास ऑफ पीपल है ना, वो सब की जरूरत है, ठीक है, इन सब की जरूरत है। एंड अगर हम सिर्फ एक की तरफ फोकस करें तो फिर वो इम्बैलेंस हो जाता है। गवर्नमेंट के जॉब्स कितने आते हैं मार्केट में लास्ट 3-4 सालों में, हार्डली। मैं खुद यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था बहुत, अभी हर साल कम ओपनिंग्स होती जाएगी, है ना, 700-800 ओपनिंग्स के लिए मुझे लगता है कहीं करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन भरते हैं। आई नो कि उसमें से दो ढाई लाख ये स्टूडेंट्स होते हैं जो जेन्यून प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, बट अगर मैं चलो थाउजेंड्स ओपनिंग्स के लिए अगर 10,000 भी कंपेयर करता हूँ तो देखो कितना मैसिव कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पूरे गवर्नमेंट के जॉब के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये सही नहीं है अप्रोच। अगर लग रहा है कि देखो कहीं भी जॉब करना है हमें, ये लॉजिक जरा समझिए, गवर्नमेंट के जॉब में जाने के बाद क्या आप 5-10 साल के लिए फ्री में सेवा करते हो? नहीं करते हो, देन हाउ कैन यू, मतलब यहां कॉरपोरेट में भी तो जॉब ही होता है, सिमिलर जॉब है, पैसा कमाना है कहीं पे भी, मेहनत कहीं पे भी करनी है ना, एंड कॉर्पोरेट में तो सबसे ज्यादा पैसा भी देते हैं, बिगिनिंग में थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी सैलरी भी तो है, 2-2, 3-3 लाख सैलरी पर महीना उठाने वाले कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, कई सारे हैं। वो कैसे उठाते हैं कभी सोचा है आपने? 3 लाख रुपए पर महीना, 4 लाख रुपए पर महीना, सोचिए जरा, अगर आप पैसे कमाओगे आपके फैमिली को कितना सपोर्ट हो जाएगा। आलतू फालतू के एड देख के कहीं पे भी सेमिनार के लिए बैठ जाते हो, पैसा भरते हो, वहां पर कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, यस एंड तक सुनना, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है इट कैन चेंज योर लाइफ, आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको एक वे बता सकता है कि आगे आप प्लानिंग कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं आगे लेकर के जाता हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए, मैंने पहले ही कहा बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, सीए, सीएस या फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उनको पता नहीं है कि आगे क्या करें, तो उनके लिए कॉरपोरेट कंपनीज में जॉब करना बहुत ज़्यादा एक और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अगर तुम्हारे अंदर खुद पोटेंशियल है, कुछ करने का जुनून है, जज्बा है, तो मैं कहूँगा मैदान में उतरिए, यही समय है मैदान में आने का। क्योंकि देखो अभी तक अगर पोर्शन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉरपोरेट में है, वो गवर्नमेंट के जॉब पर नहीं दिखेंगे तुम्हें। ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई मेट्रो सिटीज से हुई है वो कॉरपोरेट कंपनीज में दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रूरल इंडिया के स्टूडेंट्स में वो टैलेंट नहीं है, वो है लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वो टैलेंट सही जगह पर कैसे पहुंचे और अपने टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करें। तो अगर कॉरपोरेट कंपनीज में जॉब करना है या फिर इंटरेस्ट है तो ये पॉडकास्ट उनके लिए है। ये मैं यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ थ्रू आउट द कुछ रिसोर्सेस वगैरह है, उनका नाम बताने वाला हूँ, स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो प्लीज बी देयर एंड कंटिन्यू टू फॉलो दिस चैनल एज वेल, क्योंकि अपकमिंग टाइम में कई सारे एपिसोड्स में लेके आने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। तो आगे चलिए,
कई बार ये सवाल होता है क्योंकि हम कॉरपोरेट ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते या फिर क्यों नहीं करते हैं। एक तो मेजर जो डिपेंडेंसी है सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के एग्जाम्स के ऊपर है या फिर गवर्नमेंट के जॉब्स के ऊपर है, क्योंकि जो रूरल इंडिया में जो एनवायरमेंट है, चपरासी बनना पसंद करेंगे लेकिन बड़े कंपनी का मैनेजर नहीं। या आई डोंट नो किसने ये फिलोसॉफी बनाई, या फिर मुझे लगता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह है या फिर क्लासेस वगैरह है, इन लोगों ने पैदा किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन आपसे करवाते हैं उन्होंने। तो ये एक एनवायरमेंट बन गया कि मैं चपरासी बनूंगा लेकिन प्राइवेट कंपनी का मैनेजर नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे? दोनों जगह पे पैसे कमाने, मेहनत दोनों जगह पे करनी है, ईमानदारी से करनी है, तो डरना क्यों है? अगर मेहनत करने के लिए डरोगे तो जिंदगी में आगे कैसे जाओगे बताओ? खुद का बिजनेस करना पसंद करते हो, लेकिन यहां पर भी हम बिजनेस ही करते भाई, अलग सा कुछ नहीं करते है। जरा सोचिए, ब्रॉड अपना माइंड ओपन करके जरा सोचिए। हम भी वही करते हैं चीजें, लेकिन हमें कोई बताता नहीं है कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो आगे आइए मैदान में, ये जो गलत फैमिली दिमाग में है वो निकाल दीजिए, ये सही नहीं है अप्रोच। दूसरा है कि सबसे बड़ा मिथ, गवर्नमेंट परमानेंट जॉब देता है, कॉरपोरेट में क्या परमानेंट जॉब होता है क्या? ऐसी कोई भी कंपनी बताओ कि जिसका इंटेंशन क्या वो बंद होने के लिए कंपनी खोलते है? नहीं। हाँ, लेकिन बिजनेस करते समय खुद के लाइफ में भी देखो यार, हम सब फिट रहना चाहते हैं लेकिन बीच में ही अटैक आता है, बीच में ही लोग चले जाते हैं ऊपर, ये अनसर्टेनिटीज है। बिजनेस को भी अप्लाई होता है, बिजनेस भी एक अपने जैसा ही है। अगर उसमें कुछ बैलेंस इधर उधर हो गया तो फिर उसमें भी अनसर्टेनिटीज दिखाई देते हैं, लेकिन हर कंपनी जब तक जिंदा है तब तक जॉब देने का वादा करती है, वही परमानेंट पोजिशंस के ऊपर लेती है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसके लायक हो या नहीं, प्रूव करोगे या नहीं, आगे जाना चाहती हो या नहीं। अगर आप मेहनत के साथ काम करोगे तो कंपनी कोई निकालती नहीं है, वो परमानेंट पोजीशन ही होती है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो इसलिए किसी के बहकावे में मत आना, सही समय पे सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जिंदगी में वही चीज़ मिस करते हैं, हम ऐसे लोगों को क्वेरी करते हैं या फिर पूछते हैं सवाल जो ऑलरेडी आधा ज्ञान कैरी कर रहा है। तो ऐसा मत करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने की सोच रखिए। तो ये सब हुआ, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर अगर आप सेकंड ईयर पे हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। दूसरा है यहां पर बेस्ट जो प्रिपरेशन का जो एज होगा या फिर समय होगा वो क्या रहेगा। मैं कहता हूं कि जो बीबीए एमकॉम बीबीए या फिर ये कहीं पे भी अगर आप पढ़ते हो तो आपका जो फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर जो होगा अर्ली आप अगर शुरू करोगे तो सबसे पहले प्लेसमेंट आपको मिलेगा। प्लेसमेंट के लिए जरूरी क्या है सर? हाउ टू प्रीपेयर फॉर अ जॉब, सो हाउ कैन आई प्रीपेयर फॉर एन इंटरव्यू? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन इतना तो होना चाहिए कि सो विच यू कैन राइट एन ईमेल टू योर बॉस, यानी कि ईमेल आप लिख सकते हो, ईमेल यू कैन रीड अ ईमेल एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रिस्पॉन्स टू इट टू योर क्लाइंट। क्योंकि क्या है ना कि एमएनसी कल्चर है, इसलिए जितने भी क्लाइंट्स हैं अपने अब्रॉड होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, उनको कम्युनिकेट करना, उनको समझना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना एंड अकॉर्डिंगली उनके साथ कम्युनिकेट करके बिजनेस रन करना, तो इसके लिए तो कम्युनिकेशन चाहिए। ये एडवांस लेवल का नहीं लेकिन एवरेज तो चाहिए ना। जैसे मराठी हिंदी की हम बात करते हैं, कितने लोगों को ग्रामर आता है 100%? हार्डली 5-6% तुम्हें दुनिया में मिलेंगे, लेकिन बोल तो सब लेते हैं। कैसे बोल लेते हैं? सुन सुन के बोल लेते हैं वो। इतना कम्युनिकेशन का उतना ही महत्व है कि जो हम एक दूसरे की भाषा को या फिर जो कहना जो चाहते मैसेज जो है वो समझे, अगर उतना कम्युनिकेशन आप कर पाओ तो फिर मुझे लगता है कि आप कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर पाओगे। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद रेज्यूमे अपना बनाइए। रेज्यूमे के ऊपर जो रेज्यूमे होता है वो एक प्रोफाइल है, बेसिक एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर आप आपका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग इन एकेडमिक सो विच यू कैन हाईलाइट दैट एज वेल, तो वो सब चीज़ें मेंशन करना है ताकि आप सामने वाला वही चीज़ें देख के आपको इनवाइट करें। तो ये हुआ हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब। अब हुआ जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके लिए कौन एलिजिबल है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कई सारे कंपनीज के अलग अलग पैरामीटर्स है, कोई 50%, कोई 60%, ऐसे परसेंटेज भी लगवाता है, कोई ये परसेंटेज वगैरह लगवाता नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन पास अगर आप रेगुलर में हो जाते हो तो आप इन सब के लिए एलिजिबल हो, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में। सो उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन, जैसे अगर इंजीनियरिंग हो तो डेवलपमेंट या फिर टेस्टिंग में आप देख सकते हो, एमबीए ग्रेजुएट हो तो आप फिनांस, मार्केटिंग, एचआर और ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, कई सारे फंक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो।
ग्रेजुएट हो, कॉमर्स वगैरह, ये अपना अकाउंटिंग वगैरह है, देन ये आप अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, ऑडिटिंग, इन सब में देख सकते हो. सीए के लिए सेम अप्लाई होगा, अकाउंटिंग, फिनांस, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग. ये अभी एक फंड अकाउंटिंग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं आने वाले समय में, तो फंड अकाउंटिंग हुआ, इन सब में आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. ठीक है ना, तो ये जो अभी लेटेस्ट जो 2021 में जिनका ग्रेजुएशन हुआ, ये उनके लिए भी एलिजिबल है. 2022 में जिनका हुआ है या फिर होगा, उनको भी एलिजिबल होगा. तो वो सब स्टूडेंट्स प्रिपेयर के लिए मतलब काम के लिए लग सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अब ये तो हुआ कि सर प्रिपरेशन का चलो मानो समझ में आया, लेकिन आगे क्या, आगे अप्लाई कैसे करें, वो सब सवाल दिमाग में होंगे. लेकिन ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ. या फिर कितना पैसा लगेगा, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जो पैसे चार्ज करके जॉब देगी वगैरह, इन सब के झांसे में मत आओ. टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे कई जगह पर पैसे लगवा के मैं फंस गया था, लेकिन अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो सीक्रेट की जॉब सर्च करना, स्विच करना, जॉब पाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे हमें, तभी ये काम बनेगा. ठीक है, तो पहले तो ये होता है कि स्किल वाइज पहले देखो कि आप स्किल कौन से स्किल के लिए, फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से दैट यू कैन फाइंड अ जॉब. ठीक है, तो उसके लिए सर सोर्सेज क्या क्या है, ऐसे तीन सोर्सेज है जो मैं रेफर करता हूँ. एक है naukri.com, जहां पर मैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ. वैसे आप भी कर सकते हो, रेज्यूमे अपलोड करो, पूरे फिट्स वगैरह है जो अच्छे से भरो, एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीमेल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करो, एंड फिर जिस कंपनी के लिए आप देख रहे हो गूगल पे जाके ये सर्च कर लेना, टॉप 10 कंपनीज, टॉप 20 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, उसकी लिस्ट बनाओ, उसके बारे में जानो, एंड उन्हीं को अप्लाई करते रहो. फिर एचआर आपको कॉल करेगा आगे के डिस्कशन के लिए, वो होगा इंटरव्यू. इंटरव्यू के ऊपर भी मैं एक एपिसोड लेके आऊंगा, जहां पर मैं ये काफी सारी चीजें, इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे होगा, क्या होगा, इंग्लिश में मैं बताऊंगा. सो विच यू कैन राइट इट डाउन इन पेपर एंड यू कैन प्रैक्टिस इट आउट इफ यू वॉन्ट, क्योंकि मैं सबके लिए करूंगा. मुझे पता है रूरल इंडिया के स्टूडेंट्स इन सब चीजों को डरते हैं, इसलिए आगे नहीं आ पाते हैं. ठीक है, तो दूसरी चीज है कि अपनी नौकरी वगैरह जो पोर्टल है, तो उसके ऊपर नौकरी आप डाउनलोड करिए, अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए एंड देन अप्लाई करते रहिए. दूसरा है लिंक्डइन. लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इनको तो अभी भी पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग ही होते हैं वहां पर, लेकिन स्टूडेंट्स भी वहां पर जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बना सकते हैं, एंड कई सारी लाइव ओपनिंग की जो डिटेल्स होती है वहां पर आती रहती है. तो आप भी वहां पर सर्च करके अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई टू द जॉब. तो ये एक बहुत सिंपल सा वे है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो. देन उसके बाद और एक है जो बड़े बड़े कंपनीज वगैरह होते हैं, इनके साइट पे जाओ, www.manotcs.com पे जाओ, एंड उनका जो करियर साइट है, करियर सेक्शन में जाके क्लिक करके देखो कि वहां पर करंट ओपनिंग्स कौन से पोजीशंस के लिए है. अपना प्रोफाइल क्रिएट करो एंड अप्लाई करो. मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर ऐसे आप करोगे तो डायरेक्टली अगर आप जाते हो तो उनको भी वो लोग रेफर ये इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं. तो एक सबसे आसान सा वे है जो आप फॉलो कर सकते हो. इसके अलावा कई सारे लोग आपको या फिर इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे कि परमानेंट हम जॉब देंगे या फिर गारंटी देंगे या एश्योरेंस देंगे. उनके झांसे में मत आना, ऐसा कुछ भी नहीं होता. इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ऐसे बैड प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन आपको लूटने के चक्कर में कुछ भी प्रॉमिसेस वगैरह देते हैं, एंड गारंटी के पीछे भागने वाले में से बहुत ज़्यादा लोग हैं. किसी ने गारंटी कहा तो हम भागे, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना. डोंट फॉलो टू सच ए इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो ये मत करना. अगर इतना करने के बाद अब हाँ, लेकिन किसी को रेफर मत, ऐसे अगर मैं कहूँगा कि भाई रेफर मत करना कोई, क्योंकि रेफरल वालों को कॉल नहीं आता है. डायरेक्टली एचआर वगैरह को यू कैन सेंड एन ईमेल, क्योंकि अगर किसी कॉन्टैक्ट है आपका तो बोलो कि भाई एचआर को या फिर हायरिंग मैनेजर को बोल दे तो सीवी लगवाओ, तो हो जाता है. ठीक है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है. अगर पोर्टल पर रेफर करोगे तो वो आगे चीज़ें नहीं बढ़ेगी. ठीक है, लास्ट जो है अभी सवाल सबके दिमाग में होगा, सर ये सब तो कर लिया लेकिन सैलरी वगैरह कितना मिलेगा. कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है, एवरेज कॉलेज है, मतलब टॉप रेपुटेड इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं है, सिम्बॉयसिस या फिर बालाजी इंस्टीट्यूट की जैसी वगैरह, तो उनके उन अगर स्टूडेंट्स नॉर्मल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स रहेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इन बिटवीन चार से पाँच लाख के बीच पगार मिल सकता है. MBA स्टूडेंट्स को 4 से 5 लाख के बीच यू मे ऑल्सो एक्सपेक्ट. BBA, BCom, CA 2-3 लाख के बीच पर साल सैलरी मिलेगा. CA 5 से लेकर 7 लाख के बीच सैलरी कमा सकते हैं. एंड अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे जिनका BA वगैरह हुआ है
या फिर कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है जिसको ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो वो 2 या 3 लाख के बीच कमा सकते हैं। ये पूरे परमानेंट जॉब्स रहेंगे, आपको जब छोड़ना है आप छोड़ सकते हो, किसी और कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये आपका कॉल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप घर पे बिना मतलब ऐसे बैठे बैठे तो कुछ करते नहीं हो, तो इससे अच्छा कि कुछ कमा लो, है ना। एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी करते हो तो भी 8 घंटे की नौकरी करके बाकी के 16 घंटे यूटिलाइज क्यों नहीं करते हो। जिंदगी देखो यार, कुछ लोग कहते हैं कि सर पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं कई बार लिख भी चुका हूँ कई जगह पर, पैसा सब कुछ नहीं होता मान लेता हूँ मैं, लेकिन आप बताओ क्या पैसों के बिना कुछ होता है? मुझे करके दिखाओ कुछ होता है, तो कुछ भी नहीं होता है पैसों के बिना। तो मतलब पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर ये खुद को तसल्ली दे रहे हो खुद के पास नहीं है इसलिए, तो ये गलत बात है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं कोई यहाँ पर प्रवचन देने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मेरा कहना इतना ही है, अगर यंग एज में पैसा जो चाहिए वो मिला तो आप आपके जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हो। ठीक है, अगर मेहनत करके आप आगे जा सकते हो, गवर्नमेंट की जॉब भी नहीं भी मिली तो भी आपका परिवार उनकी जो परिस्थिति वो सुधर सकती है, तो उसके लिए गाइडेंस जरूरी होता है, इसलिए मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। मुझे गाइडेंस नहीं मिला, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आपके साथ हो, तो इसलिए मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जो भी स्टूडेंट्स आपके जैसे रहेंगे उनको भी इसके बारे में अवेयर कराइए, ताकि उनको भी आगे बढ़ने दीजिए। हम पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपको भी आगे पुश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट प्रोग्राम मैंने इनिशिएट किया हुआ है। ऑलरेडी 4000 के आसपास लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप भी उसमें से एक बनिए, एंड अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में मैं ऐसी कई सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ, मेरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, कॉरपोरेट के किस्से, या फिर मैंने जॉब कैसे ढूंढा, मेरा पहला जॉब कैसे था, मैं क्या करता था, कैसे हुआ, वो सब जर्नी मैं शेयर करने वाला हूँ। क्यों शेयर करने वाला हूँ? क्योंकि देखो, दूसरों के जर्नीज में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम बड़े बड़े लोगों के बुक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने उनकी जर्नी लिखी हुई है ताकि हम उनसे सीखें। इसलिए मैं भी चाहता हूँ, अगर मेरी स्टोरी मुझे यूनिक लगती है तो मैं भी शेयर करूँगा, हो सकता है कि ये स्टोरी आपकी भी हो तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो इसलिए जुड़े रहिए। एंड ये देखो यार, मैं ये शेयर करके एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आगे फॉरवर्ड करके आप एक और स्टेप ले लीजिए, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीएमटी हमेशा हमेशा के लिए आपका आभारी रहेगा, क्योंकि ये बात नहीं है कि यूट्यूब से कुछ पैसे वगैरह मिलते, ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी तक नहीं कमाए, लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्टेंट सही लोगों तक पहुँचे, एंड ये कौन कर सकता है? आप कर सकते हो, जो लोग इसे सुन रहे वो कर सकते हैं। जैसे वायरल करें, क्योंकि अच्छी बातें वायरल होनी चाहिए, बुरी बातें तो बहुत होती है, अच्छी बातें वायरल होनी चाहिए, ये करियर चेंज करेगा आपको। एंड इसके अलावा अगर आप और गाइडेंस चाहते हो तो डाउनलोड द जीएमटी एकेडमी एप्लीकेशन, जहां पर मैंने ऑलरेडी 100 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने अपलोड करके रखे हैं, कई सारा मटेरियल और कॉन्टेंट अपलोड करके रखा है। जो सोर्सेस वगैरह लगने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कहूंगा, 15 मिनट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने 15 मिनट का ही बनाया है। तो लगे रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।